पंजाब के अमृतसर में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और 8 बच्चे जख्मी हो गए। 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में 28 स्कूली बच्चे छुट्टी के बाद घर जा रहे थे। इलाहाबाद में हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ये 5ों लोग कार पर सवार होकर इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे थे। इनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद कार नीचे खेत में जा गिरी। मौत का शिकार हुए लड़कों में से 4 एक ही परिवार के थे, जबकि 5वां इनका दोस्त था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर में कोको फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की खबर से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बिहार में पटना के बिहटा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग हाथ में बेल्ट और क्रिकेट का बल्ला लिए एक शख्स को पीट रहे हैं। पीड़ित शख्स के मुताबिक किसी वीडियो को लेकर 3 लड़के उससे नाराज थे और आते ही खाट से खींचकर उसे पीटने लगे। बेल्ट और बल्ले से उसे जब तक पीटते रहे तब तक उसको अधमरा नहीं हो गया। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट एग्जाम पास न करने पर चेन्नई में प्रतिभा नाम की छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी। 12वीं क्लास में टॉपर थी प्रतिभा, दूसरी बार नीट एग्जाम में बैठी थी प्रतिभा। हैदराबाद में भी नीट का एग्जाम पास न कर पाने पर जसवीन कौर नाम की छात्रा ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।